ये जो मौके आते हैं ना शबे बारात के, शबे कदर के, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ मौका होता है कि चलो तुम्हें चांस देते हैं, पाबंदी कोई नहीं, लेकिन रब की तरफ से ना मौका मिलता है, चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, चलो अपने आप को क्लियर कर लो, तुम्हें मौका देते हैं, या अल्लाह क्या करे कुछ भी नहीं, आके ना सच्चे दिल से दो रखते पढ़ के तौबा करो, अर्श का मालिक पिछले सारे माफ कर देगा। उन लोगों की बातों पर ना जाए जो बिला वजह परेशान करते हैं, लोगों को शबे बरात का हवाला भी नहीं मिल रहा, हालांकि तिर्मिजी शरीफ में हदीस मौजूद है, सियासिता की रवायत है तिर्मिजी में। पहले कहते हैं सियासिता से दिखाओ, जब सियासिता से मिल गई तो आप और किधर जाना है, और इब्ने माजा में मौजूद है मौला अली की रवायत, और जरा तरतीब देखिएगा, ये तिर्मिजी की हदीस है, इमाम तिर्मिजी ने तो पूरा बाब बांधा है 15वीं शाबान पर, पूरा बाब। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नई बात को समझना चाहते, लेकिन मैंने पहले भी कहा था फिर कहता हूं, अगर हमें कोई शख्स कहता है कि शबे बरात को उठ के नफल ना पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए, हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं, ना तू हमारे और रब के दरमियान माज अल्लाह कोई वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे, और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे, हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा है जरूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, चांस मिस किया है, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शबे बारात की रात, फरमाती हैं शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नजर डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नजर पड़ी तो हुजूर नहीं थे, मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और जौजा की तरफ हुजूर का मेलाने तबाह हो गया हो, वहां तशरीफ ले गए हो। फरमाती मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते में गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा? अर्ज की, हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहे तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहां खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिर्मिजी के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया शायद ये शाबान की 15वीं रात है, मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनू कल्ब का कबीला पालता था, फरमाया आज की रात बनू कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शी फरमा देगा। ये वो रात है जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बात रात को सुनी तन्हाई में, नबी पाक से रात को तन्हाई में हुजूर से सुनी, सवेरे जनाब आयशा ने कुल उम्मत को बताई। अगर ये बात अहमियत वाली ना होती तो बीबी साहब आगे रवायत करती, ये किताबों में आती, ये लोगों को बताती। हजरत आयशा ने रवायत किया और मौला अली शेरे खुदा ने तो खुल के कहा इब्ने माजा में, हजरत अली से प्यार करने वालों के लिए अलग गुनवान, मौला अली ने खुल के फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। हजरत अली के लफ्ज भाई नहीं सियासिता में, रात को रोज इबादत करना, दिन को रोजा रखना। वैसे तो रब करीम हर रोज तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नुज़ूले इजलाल फरमाता है और लोगों को फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला? क्या अंदाज है मौला अली शेरे खुदा हदीस रवायत करते, रंग क्या है? फरमाया बाकी रातों में ना थोड़ा सा पैकेज होता है, थोड़ा सा आखिरी हिस्से में रात के शबे बरात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूले इजलाल फरमाता है और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो मैं माफ करने आया हूं, मांगो माफी, है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। और आप फरमाते हैं है कोई रिस्क मांगने वाला? वो जो बड़ी दरखास्तें देते फिरते हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, वो एक दरखास्त ना शबे बरात वाली रात भी दे। और मैं नहीं कह रहा, मौला अली शेरे खुदा फरमा रहे, और वो खुद नहीं फरमा रहे, वो नबी पाक का फरमान नकल कर रहे हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान कर रहे, वो कहते हैं रब फरमाता है कोई रोजी मांगने वाला? सारे सेठों नवाबों जागीरदारों के पास जा जाकर थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी शबे बरात वाली लगा के तो देखो। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, फरमाए इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा, इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा, इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा,
اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے, کوشش فرمائے. دس محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان, وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, میں منع نہیں کر رہا, جائیں, نو محرم کو جائیں, دس کو جائیں, گیارہ کو جائیں, آٹھ کو جائیں, سفر میں جائیں, ربیع الاول میں جائیں, قبرستان میں جب بھی جائیں, منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں, نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں, حضور کے کو بھائی بہن حضور کیا کرنے گئے, امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے, کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے, مانگے اپنے بھائی کے لیے, مانگے اپنی بہن کے لیے, مانگے اپنے بیٹے کے لیے, مانگے اپنی بیٹی کے لیے, مانگے اللہ کریم سے. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا, بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ, آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگے.